गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम एक नई मात्रा सीखेंगे, बड़े ऊ से ऊन। ये बड़ा ऊ है और उसकी मात्रा ये है। बच्चों, अब हम बड़े ऊ की मात्रा का लेसन पढ़ेंगे, पेज नंबर 30 पर। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों आइए, आप भी पढ़िए। सूरज निकला रूपा जागी, बगिया की हरी डूब पर भागी, उछली कूदी झूला झूली, फिर नहा कर खाई मूली। किसने खाई मूली? रूपा ने। और जैसी सूरज निकला वो जाग गई और कहाँ चली गई? अपनी बगिया में। ये आप देख सकते हैं, बगिया। बगिया में कौन भागा? रूपा भागी। फिर नहा कर खाई मूली, पूजा की फूल माला चढ़ाई, आलू की पूरी खाकर भूख मिटाई। क्या खाकर बच्चों भूख मिटाई? आलू की पूरी। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। सूरज निकला रूपा जागी, बगिया की हरी धूप पर भागी, उछली कूदी झूला झूली। कौन उछला और कूदा फिर झूला झूली? रूपा। फिर नहा कर खाई मूली। किसने मूली खाई? रूपा ने नहा कर मूली खाई। पूजा की, उसने पूजा भी की, फूल माला चढ़ाई, आलू की पूरी खाकर भूख मिटाई। तो बच्चों, अब आप घर पे इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आप देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा रेड पेन से लिखी है, ठीक है बच्चों? तो आप घर में इसको जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ेंगे, जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो और आप वर्ड्स पहचाने कौन से किस मात्रा के हैं, ठीक है बच्चों? नाउ चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। किसी अक्षर में जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे बन जाती है? देखिए, क में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, कू। च में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, चू। ब में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, बू। ख में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, खू। बच्चों, प्रीवियस असाइनमेंट में हमने छोटे ऊ की मात्रा सीखी थी, आज हम बड़े ऊ की मात्रा सीखेंगे। तो अब बच्चों, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको शब्द की मात्रा की पहचान होनी चाहिए। तो अब बच्चों हम देखेंगे, आइए। जब हमने छोटे ऊ की मात्रा सीखी थी तो हमने क्या सीखा था बच्चों? जिसे हम धीमे स्वर में और जल्दी से बोले, जैसे उ। तो हम जिन शब्द को जल्दी से बोलेंगे वो क्या होते हैं? छोटे ऊ की मात्रा। और जिन शब्द को हम थोड़ा खींच के बोलेंगे वो क्या होते हैं? बड़े ऊ की मात्रा। तो आपको बच्चों अब ये फर्क पहचानना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द देखेंगे। सुन, तुम, चुप, चतुर। आपने देखा मैम ने कैसे जल्दी से, धीमे स्वर में और जल्दी से बोल दिया। ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। पुजारी, मुनमुन, तुलसी। आपने देखा बच्चों मैम ने छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को कितनी जल्दी से पढ़ा। ऐसे ही आपको भी सीखना है। अब बच्चों हम डिफरेंस देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा का। जब हम बड़े ऊ के मात्रा के शब्द पढ़ेंगे तो हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। आइए देखिए, भूल, झूल, खून, कपूर, तूफान, कबूतर, मजबूर,
करतूत। देखा आपने मैम ने कैसे खींच के इन शब्द को पढ़ा है। एक बार फिर से, भूल, झूल, खून, कपूर, तूफान, कबूतर, मजबूर, करतूत। तो आपने बच्चों फर्क देखा। जब हम छोटे ऊ के शब्द पढ़ेंगे तो हम जल्दी से पढ़ देंगे, जैसे सुन, तुम, चुप। और जब हम बड़े ऊ के शब्द पढ़ेंगे तो हम उन्हें खींच के पढ़ेंगे, जैसे भूल, झूल, खून। बच्चों असाइनमेंट 7 हिंदी लिटरेचर में अभी हमने बड़े ऊ की मात्रा का लेसन पढ़ा था, अब हम उस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस देखेंगे। कठिन शब्द, बड़े ऊ की मात्रा के कठिन शब्द। मात्रा ये होती है जो मैम ने रेड पेन से लगाई है। चलिए, फूल, पूजा, आलू, झूला, धूल, भालू, जूता, रुमाल, अमरूद, शहतूत, खरबूजा, करतूत, मजबूत, कबूतर। बच्चों ये कठिन शब्द है बड़े ऊ की मात्रा के, और आपने देखा मैम ने इसको कैसे पढ़ा है, खींच के पढ़ा है। ऐसे ही आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे देखेंगे वर्णों का मेल, बड़ी ऊ की मात्रा का वर्णों का मेल। बच्चों अब हम वर्णों का मेल सीखेंगे। वर्णों का मेल क्या होता है? जब हम अक्षर को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्णों का मेल। आइए हम देखेंगे, प में आ की मात्रा, ल, त, ता में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या शब्द बना बच्चों? पाल, तू। देखा आपने मैम ने मात्रा त के नीचे लगाई, शब्द बना पालतू। स, सा में बड़े ऊ की मात्रा, र, ज, शब्द बना सूरज। क्या शब्द बना बच्चों? सूरज। एक चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मात्रा सही शब्द के नीचे होनी चाहिए, वरना बच्चों शब्द गलत हो जाएगा। ब, ब, ब में बड़े ऊ की मात्रा, ल, शब्द बना बबूल। त, र, ब, बाबे बड़े ऊ की मात्रा, ज, शब्द क्या बना बच्चों? तरबूज। एक बार फिर आप ये याद रखेंगे बच्चों, लिखते समय मात्रा सही शब्द के नीचे होनी चाहिए। अब इसी तरह बच्चों हम ये एक्सरसाइज पूरी देखेंगे। ध, ध में बड़े ऊ की मात्रा, ला, शब्द बना धूल। आप देखेंगे मैम ने आधी लाइन खींची है, ध पर पूरी लाइन नहीं खींचती है। ऐसे ही आपको कॉपी में भी करना है। फ, फ में बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल। स, स में बड़े ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज। प, प में आ की मात्रा, ल, त, ता में बड़े ऊ की मात्रा, शब्द क्या बना बच्चों? पालतू। त, र, ब, बा में बड़े ऊ की मात्रा, च, शब्द क्या बना बच्चों? तरबूज। एक बार फिर से बच्चों आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मात्रा सही शब्द के नीचे होनी चाहिए, ठीक है? मैम ने कैसे बताया था आपको, छोटे ऊ की मात्रा जब हम के शब्द हम बोलेंगे तो हम जल्दी से बोलेंगे, और जब हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्द बोलेंगे तो हम उन्हें खींच के बोलेंगे।
ये सब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो। आइए आगे देखते हैं। फ, फा में बड़े उ की मात्रा, ल, द, दा में आ की मात्रा, ना, शब्द क्या बना, फूलदान, जिसमें आप फूल रखते हैं, घर की सजावट में काम आता है बच्चों। आगे देखिए, ब, ब, ब में बड़े उ की मात्रा, ल, शब्द क्या बना, बबूल, त, ता में बड़े उ की मात्रा, फ, फ में आ की मात्रा, ना, शब्द बना, तूफान, ख, र, ब, बा में बड़े उ की मात्रा, ज, आ की मात्रा, खरबूजा, लास्ट वर्ड, त, र, र में आ की मात्रा, ज, जा में बड़े उ की मात्रा, क्या बना बच्चों शब्द, तराजू। तो बच्चों इसी प्रकार आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। और बच्चों डेली आपको लेसन की रीडिंग करनी है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से हर चीज समझ सके। नाउ डू दिस वर्क इन योर हिंदी लिटरेचर कॉपी। थैंक यू।